हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कैसी नमस्कार, मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को गणित कक्षा 11 की। आप लोगों को दिख रही होगी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कक्षा 11 गणित और आपका अध्याय 7 क्रमचय और संचय प्रश्नावली 7C आप लोगों को चल रही है। आप लोगों को एक थ्योरम है, इसके पहले NPR बराबर N-1PR प्लस RN-1PR-1 होती है, ये थ्योरम पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोगों को टॉपिक पढ़ना है प्रतिबंधमय क्रमचय कंडीशनल परम्यूटेशन, मतलब ये आप लोगों को लिखा हुआ है इसको आज पढ़ाया जाएगा। 7C आप लोगों को इसका स्टार्ट होगी, 7C आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। फिर आप लोगों को ये इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग था, इस वजह से अब आप लोगों को जो बीच में छोड़ के पहले वो पढ़ाया जाएगा, उसके बाद सीरीज में आप लोगों को पढ़ाते चला जाया जाएगा, तो पूरी किताब आप लोगों की समाप्त होगी। ठीक है, फिर ये हो गया आपका कंडीशनल परम्यूटेशन, आप लोगों को प्रतिबंधमय क्रमचय आप लोगों को पढ़ना है। प्रतिबंधमय मतलब क्या होता है, कोई भी चीज क्रमचय या सीरीज में रखने पर हमें एक प्रतिबंध होना चाहिए। जैसे हमें कोई वस्तु किसी स्थान पर किसी दिशा में एक विशेष स्थिति की जरूरत पड़ती है, मतलब हमको यहाँ पर जरूरत है इस समय मोबाइल की, तो मोबाइल एक विशेष स्थान पर मतलब आप लोगों पर रखा है, मतलब क्या एक ट्राइपोड है, ट्राइपोड के ऊपर एक लॉकर है, लॉकर के ऊपर फिर उसमें मोबाइल फंसा है, फंसाने के बाद फिर से वीडियो हम शूट कर रहे हैं, तो वो चीज एक विशेष स्थान विशेष दिशा को हम क्या करते हैं कंडीशनल परम्यूटेशन, जिसके साथ कंडीशन लग जाती है वो परम्यूटेशन। इसमें भी कंडीशन लगेगी कि NPR N-1PR RN-1PR-1 होता है, ये प्रूविंग पूछी गई 2013 और 2016 में पूछा गया, इस वजह से आपको बता रहा है। इसमें तो 2021 चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन किताब भी मेरे पास बहुत पुरानी है, मतलब कम से कम 3-4 साल पुरानी है, तो मैं भी शायद एक बार और पूछ लिया गया हो, अगर एक बार और पूछ लिया गया होगा तो इस बार आप लोगों को 2022 में क्वेश्चन आने की चांसेस ये है फर्स्ट ईयर, तो आप लोगों ये थ्योरम पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए NPR जो हमारे पास है फैक्टराइजेशन, आप लोग इसको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। अब ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, प्रतिबंध अब इसके प्रूविंग करेंगे, प्रूविंग करने के लिए अब देखिए ये प्रूविंग है कि हमारे RHS से तो होगी नहीं, तो अब इसको हम क्या RHS से करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे RHS में आ जाएगा N-1PR प्लस R N-1PR-1। देखिए हमें NPR का फैक्टराइजेशन सीधे पता होता है क्या, यहाँ पे जानते हैं NPR का होता है N फैक्टोरियल बटे N माइनस का R का फैक्टोरियल, ये होता है। अब देखिए ये होता है तो इसकी जगह पे रखेंगे N माइनस के लिए आ जाएगा N-1 बटे आ जाएगा हमारे पास N-1 फैक्टोरियल बटे आ जाएगा N-1 - R फैक्टोरियल। ठीक, अब यह आ जाएगा प्लस R, ऐसे रहेगा ऊपर आ जाएगा हमारे पास, सॉरी बटे में ही होगा ये N-1 PR-1, ये हो जाएगा N-1 और बटे आ जाएगा N-1 - R, अब ये हो जाएगा प्लस का 1 फैक्टराइजेशन, 1 से 1 हमारा कट जाएगा, ये रहेगा N-1 फैक्टराइजेशन बटे N-1 - R फैक्टराइजेशन, प्लस आ जाएगा R N-1 का फैक्टराइजेशन बटे N-R का फैक्टराइजेशन, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल फिर से ओपन कर लेंगे, फैक्टोरियल ओपन कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, बहुत आसान है, क्या रहेगा N-1 फैक्टोराइजेशन बटे N-1 - R फैक्टराइजेशन। ठीक, अब ये हो जाएगा प्लस, अब देखिए जब प्लस हो जाएगा तो बहुत आसानी से आप इसके आगे हम कोई ओपन कर सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे हम अब इसको ओपन करेंगे, जी को N फैक्टोरियल हमारे पास, चूंकि N फैक्टोरियल क्या होता है N N-1 N-2 डाटा डाटा ऐसे बढ़ता है, हमें सिर्फ एक बार चाहिए था क्योंकि ये बराबर करना है, तो यह जाएगा R N-1 फैक्टराइजेशन बटे आ जाएगा N-R N-R-1 फैक्टराइजेशन। अब देखिए ये हमारा N-R N-R-1 N-1 N-1 फैक्टराइजेशन कॉमन मिल रहा है, समान है, इसको हम ले लेंगे, तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम उसका इसको इरेज करते हैं, फॉर्मूले आपको यहाँ पे लिख दिए क्योंकि क्या क्या हमने यूज किया है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस क्या आप लोगों की थोड़ी सी प्रूविंग है, इसको आप पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को आसानी रहेगी इसको पढ़ने की बात। तो अब यहाँ से मिल जाएगा N-1 फैक्टराइजेशन बटे N-1 R-1 फैक्टराइजेशन,
अब जी आ जाएगा इधर तो कुछ कोई चीज नहीं बचेगी, यहाँ पे सिर्फ एक बचेगा अकेला, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ आर बचेगा और जी आ जाएगा एन माइनस के आर। अब देखो यहाँ पे इसके बाद एन माइनस का वन फैक्टराइजेशन बटी एन माइनस के आर माइनस वन का फैक्टराइजेशन जैसे रहेगा, अजी आ जाएगा एन माइनस आर प्लस आर बटे आ जाएगा एन माइनस के आर, जी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आर आर कर जाएंगे, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं वो आप लोगों को सीखना है। अब देखिए इसके आगे आप लोग क्या कर सकते हैं, आर से आर काट लेंगे, काटने के बाद जो चीज हमारी बच जाएगी उसको हम आगे रख लेंगे, एन माइनस का वन फैक्टराइजेशन इंटू बचेगा सिर्फ एन बटे आ जाएगा हमारे पास एन माइनस के आर इंटू में आ जाएगा एन माइनस के आर माइनस। अब देखो हमने अभी n का फैक्टोरियल बताया था आपको, क्या होता है n फैक्टोरियल होता है n n माइनस का वन, हमने n p r का भी बताया था अभी हमने। अब देखो ये तो n का खोला, अब खोलेंगे n माइनस r का फैक्टोरियल, सेम इसी तरीके खुलेगा n माइनस के r इंटू में आ जाएगा n माइनस r माइनस वन का फैक्टोरियल बन जाएंगे। तो ऐसे इन्हीं चीजों को अब यहाँ पे हमने रख देना, दिया जाएगा हमारे पास क्या n फैक्टोरियल बन जाएगा जी, और ये बन जाएंगे n माइनस आर का फैक्टोरियल। देखिए जब ये दोनों फैक्टोरियल थे यहाँ पे परम्यूटेशन मतलब कंडीशन बन जाएगी, तो कंडीशन को ले सकते हैं क्या n p r माइनस वन, यही तो मिलाना था l h s प्रूव हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे हम क्या, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस हो जाएगा हमारे पास, हिंस हो गया। ये था आपके पास एल एच एस बराबर आर एच एस, ये था आपके पास क्वेश्चन आप लोगों को। ये यहाँ से यहाँ तक भी आपको थ्योरम समझ में आई होगी, आप लोग एक बार इसको फिर से लगाइएगा, आपके फार्मूले लिखते ही बताएं, किताब में थ्योरम पे फार्मूले नहीं लिखे हुए लेकिन हमने आपको फार्मूले लिखे हैं कि इसका इसके साथ होता है। तो जो आपकी बात थ्योरम आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे आपको बताते हैं इसका क्वेश्चन, आप लोग को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, किताब है तो अच्छी बात, नहीं है तो अच्छी बात, क्योंकि आप लोग किताब ले लीजिए, नहीं लेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन तो बताते ही है, आप लोग उसको भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन लिखते रहिए और एंजॉय करते रहिए, ठीक है। अब आप लोगों को एक्सरसाइज सेवन सी आपके पास आगे मेरे पास क्योंकि बहुत अच्छी है, बहुत ही मजा आएगा आपको लगाने में, इसमें 13 क्वेश्चन दिए हुए लेकिन क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। अब देखिए क्वेश्चन लिखा है, बिलासपुर शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न विन्यास बन सकते हैं जबकि स्वर कभी भी साथ ना आए हों। देखिए जबकि स्वर कभी भी साथ नहीं आए होते हैं तब निकालेंगे एक बार कंडीशन, फिर एक बार जब स्वर साथ में होंगे तब हम कंडीशन निकालेंगे, अब उसी को हम इसके साथ रखेंगे। इसको रेस कर देते हैं, आप लोगों को भी ऐसी प्रूविंग का आपको जरूरत है, आप लोग लिखेगा बहुत आसानी से। ठीक है क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, फर्स्ट बिलासपुर दो चार छ आठ नौ बिलासपुर में एच नहीं दिया, जिस लिखा हुआ है बिलासपुर में कितने शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न विन्यास बन सकते हैं। अब देखो आपको बताना है कि कितने भिन्न विन्यास बन सकते हैं, ये आपको बताना है। तो भिन्न विन्यास बनने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान है, कैसे निकालोगे इसको ये आप लोगों को बताना है। बिलासपुर शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न विन्यास बन सकते हैं जबकि स्वर कभी भी साथ में ना आते हों। दावे हमारे पास, अब देखिए बिलासपुर में हमारे पास शब्द कितने हैं, कुल आठ लिखे हुए हैं, तो पहले स्वर आने वाले शब्दों की संख्या हमारे पास कितनी है, अब इसमें स्वर कितने आ रहे हैं, यहाँ पे बिलासपुर में कुल शब्द कितने हैं, कुल शब्द कितने आठ, तो स्वर कितने आ रहे हैं, स्वर
हमारे ए आई ओ यू होता है, एक तो जे हमारे पास स्वर एक जे है और एक जे है, तो स्वर कितने आए हमारे पास, तीन आ गए। आगे अब आगे स्वर आने के बाद अब जो हमारे पास स्वर आ जाएंगे, इन स्वर को हम क्या मानेंगे, ए आई ओ यू, इनको हम एक ही अक्षर अगर मान ले तो हमारे पास कितने बचेंगे, तो हमारे बचेंगे एक दो तीन चार पांच और एक और उसको मिला देंगे तो छह, यहां पर लिख लेंगे तीन तीनों स्वरों को एक अक्षर मानते हैं तो कुल अक्षर कितने हो जाएंगे हमारे पास, तो कुल अक्षर हो जाएंगे हमारे पास छह फैक्टोरियल। ठीक, अब एक साथ जब आ जाएंगे तो कुल छह फैक्टर हो जाएंगे, तो कुल प्रकार कितने हो जाएंगे हमारे पास आपको बताना है, कुल प्रकार हो जाएंगे छह फैक्टोरियल गुणा तीन फैक्टोरियल आ जाएंगे हमारे पास बनाएंगे ना, क्योंकि तीन हमारे स्वर क्या रहेंगे और तीन हमारे क्या रहेंगे छह फैक्टोरियल क्या रहेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास छह फैक्टोरियल गुणा तीन गुना कितने हो जाएंगे छह, ये हो गया हमारे पास। ये तुम्हारे आ गए जिसपे स्वर नहीं आते, स्वर मतलब हमारे पास हटाने के बाद, अब हमारे पास जो जिनपे स्वर नहीं आ रहे, अभी जो स्वर आ रहे थे तो उनको मैंने ऐड कर लिया, अब स्वर न आने की कुल प्रकार देख लेंगे, स्वर न आने के, स्वर न आने के कुल प्रकार क्या हो जाएंगे हमारे पास, अब स्वर जब नहीं आएंगे तो हमारे पास एक तो स्वर आने के टोटल हमारे पास हो जाएंगे आठ फैक्टोरियल, उसके बाद जिसमें स्वर आ रहे थे उसको इससे घटा देंगे तो जा जाएंगे छह फैक्टोरियल गुणा छह, हो जाएंगे हमारे पास आठ फैक्टोरियल गुणा सॉरी आठ गुणे सात गुणे छह फैक्टोरियल माइनस छह फैक्टोरियल गुणा छह, ये हो जाएंगे हमारे पास, देखिए छह फैक्टोरियल कहाँ मिल जाएंगे तो आठ सत्य हो जाएंगे छप्पन माइनस के हो जाएंगे छह, छह फैक्टोरियल गुणा जाएंगे पचास, आगे जाएंगे छह का छह गुणे पांच गुणे चार गुणे तीन गुणे दो गुणे पचास, छह पंचे तीस और तीस हो जाएंगे हमारे पास, देखो पांच गुना दस सौ गए सौ तेईस तीन सौ तीन चुको बारह सौ बारह पंचे सात छह हजार मतलब छत्तीस सौ, शतरंग छत्तीस सौ हमारे पास प्रकार बनेंगे जब स्वर नहीं आने की प्रकार होंगे। यदि हो गया आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा फर्स्ट समझ में आया होगा, थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि थोड़े से बस ये थ्योरेटिकल बेसिस का टॉपिक है, तो आप लोगों को ये इस बेस में बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पूरा चैप्टर समाप्त हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसके बाद आगे नया चैप्टर आपको स्टार्ट करेंगे सीरीज का, तो आप लोगों को सीरीज काफी अच्छी लगेगी और समझ में भी आएगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा होगा आपके पास क्या लिखा है, क्या दूसरा क्वेश्चन लिखा है, डॉगमेटिक शब्द की अक्षरों से कितने भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, आपको टाइम दे रहे हैं हम 30 सेकंड का नोट करने के लिए। ठीक है, क्या होगा आप लोग नोट कर चुके होंगे, ऋषिकेश जी क्वेश्चन आता है के पास सेकंड नंबर, सेकंड में लिखा हुआ है कि डॉगमेटिक शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, डॉगमेटिक डी ओ जी एम ए टी आई सी, ये हो गया आपके पास अक्षर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है प्रथम अक्षर सदैव डी तथा अंतिम अक्षर सदैव सी, आपको देखिए पूरी कंडीशन सोल्यूशन पे एक लिखेंगे हम, आपको इसमें चार कंडीशन दी है तो चारों ही बताएंगे, प्रथम अक्षर सदैव डी, प्रथम
अक्षर सदैव डी, प्रथम अक्षर सदैव डी, अंतिम तथा व प्रथम अक्षर सदैव डी तथा अंतिम अक्षर सदैव क्या है, अंतिम ये डी बना हुआ है, अंतिम अक्षर हमारे पास क्या है, सी है जी है। तो कुल प्रकार जो पूछे तो कुल शब्दों की संख्या या कुल प्रकार अक्षरों से भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, तो शब्दों की संख्या पूछिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अब क्या नियत है, अब इनके बीच में जब डी हमारा प्रथम है और सी हमारा अंतिम है, दो चार छह से बन जाए तो कुल अक्षर हमारे पास कितने बचेंगे, हमारे पास छह बचेंगे। हमारे पास कुल शब्दों के प्रकार कितने हो जाएंगे, कुल शब्द हो जाएंगे छह का फैक्टोरियल हो जाएगा छह गुणे पांच गुणे चार गुणे तीन गुणे दो हो जाएंगे, छह पंचे तीस, तीन चौके बारह, बारह पे छत्तीस, छत्तीस गुना बहत्तर, दो तरफ जाएंगे 720। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन इसका फर्स्ट नंबर। सेकेंड लिखा हुआ है अक्षर एम ए सदैव मध्य में हो, जब हमारे पास सेकेंड नंबर होगी कंडीशन क्या, अक्षर एम कामा ए सदैव कहाँ होंगे, मध्य में होंगे। सदैव जब मध्य में होंगे मतलब बीच में होंगे तो क्या जाएगा हमारे पास डॉगमेटिक बीच में है टी आई सी डॉगमेटिक। अच्छा जी मध्य में होंगे तब भी हमारे कितने अक्षर बच रहे हैं, छह तो बच रहे हैं, तो कुल प्रकार हमारे पास कितने हो जाएंगे, तब भी हमारे पास छह ही रहेंगे। जब तब यहाँ लिख देंगे हम आपके आंसर में, जब एम कामा ए मध्य में है तो कुल अक्षर हमारे पास कितने हैं, छह होंगे। जब कुल अक्षर छह होंगे तो कुल प्रकार कितने हो जाएंगे हमारे पास, कुल शब्द पूछे कितने हो जाएंगे, छह फैक्टोरियल मतलब हो जाएंगे 720। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन, तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, आप लोगों को 20 सेकंड का टाइम है। आप लोग को हमारे पास कई बच्चों के एसएमएस आए हैं कि सर आप थोड़ा सा रुक जाया कीजिए, तो बोर्ड में लिख नहीं पाते हैं, वीडियो पॉज करते करते आप लोग आगे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे टाइम आपको दे रहे हैं, आप बताते हैं आपको इसी के आपके पास और एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है आपको, वो भी लगाना है आपको, बहुत आसान है। लिखा हुआ है इसमें तीनों स्वर ओ ए आई सदैव साथ रहे, जब तीनों स्वर ए ओ आई हमारे पास सदैव साथ रहेंगे तब क्या होगा, अब लिखेंगे तीनों स्वर सदैव जब साथ रहेंगे तो हमारे स्वर कितने हो गए, हमारे पास स्वरों की संख्या कितनी होगी, तीन, हमारे पास ए आई ओ देख रहे। अब तीन, अब इन तीनों जो ए आई ओ को एक अक्षर माना जाता है, अगर हमने माना एक अक्षर है ये हमारे पास तीनों मिला के एक, तो कुल अक्षर कितने हो जाएंगे हमारे पास, छह फैक्टोरियल हो जाएंगे, सॉरी छह, तो कुल शब्द कितने बनेंगे हमारे पास, छह फैक्टोरियल हो जाएंगे 720। अभी देखिए लेकिन हमारे पास पूरा हुआ नहीं है क्योंकि केवल हमारे पास कितने होने चाहिए, हमारे पास तीनों, जब हमारे पास स्वर को एक साथ मान लिया गया, अब जब तीनों भिन्न भिन्न होंगे हमारे पास, यहां लिखेंगे
तीनों अगर भिन्न भिन्न होंगे, कौन तीनों स्वर, तब कुल शब्द कितने हो जाएंगे, तब कुल शब्द हो जाएंगे 6 × 3 × 2। 6 का तो हमने बताया 720 होता है, 3 को हो जाएगा 3 × 6 = 3 हो जाएंगे, 6 × 0 = 6 × 2 = 12 और 6 × 7 = 42 और कितने हो जाएंगे 4320, तो जी हो जाएंगे हमारे पास आंसर। जो हमारे पास तीनों क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे सर। अब देखिए कुल शब्द फिर आ गया आपके पास 4 नंबर है, तीनों सर ओ ए आई कभी 7 ना हो, जब तीनों कभी 7 नहीं होंगे तब हमारे पास क्या होगा। 4th नंबर है आपके पास, तीनों सर ए ओ आई 1 7 ना हो, जब 1 7 नहीं होंगे तब क्या होगा, जब 1 7 नहीं होंगे तो कुल शब्दों की संख्या, जब तीनों 7 नहीं होंगे तो पहले तो इसमें टोटल वाले में से तीनों 7 ना होने के हमारे पास 7 तो कितना जाएंगे 43, तो हमने 3 नंबर निकाला था 20 हटा देंगे, तो हो जाएंगे 8 का फैक्टोरियल आप लोग जानते होंगे, खोले होंगे, नहीं खोले तो जिस ऐसे खोल सकते हैं, क्या 8 फैक्टोरियल बराबर जाएंगे 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 देखो ये जाएगा 5 × 20 20 × 7 = 120 12 × 72 720 हो गए, 6 का 720 हो जाएगा, जो जाएंगे हमारे 8 × 7 × 720, तो 7 का 0 7 × 14 7 × 49 और कितने हो जाएंगे 50 × 8 8 कर लेंगे 0 8 × 32 की 32 × 8 = 40 तो कितने हो जाएंगे 40320 − 4320 40320 − 4320 हो जाएंगे हमारे पास 0 0 0 कट जाएंगे 10 में से 4 जाएंगे 6 यहाँ बचेंगे 3 ये बचाएंगे हमारे पास 3600 कुल शब्दों की संख्या 36000 बनेगी आपके हमारे पास। हो गए ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर का थर्ड, नोट कर लीजिए आप लोग पास ध्यान दे रहे हैं, फिर आपको थर्ड बताते हैं। थर्ड नंबर लिखा है शब्द मैथमेटिक्स के अक्षरों से कुल कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, मैथमेटिक्स के अक्षरों से कुल कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए इसको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जाएगा कि शब्द मैथमेटिक्स कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 MATHEMATICS मैथमेटिक्स शब्द में से अक्षरों से कुल कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, तो मैथमेटिक्स में कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, अक्षरों की कुल संख्या कितनी हमारे पास है 11 फैक्टोरियल। हो गए, अब इसमें से हमारे डबल कितने हैं, ए हमारे पास कितनी बार है, इसमें 2 बार क्या ए है, कॉमा एम कितनी बार है, 2 बार एम है, कॉमा टी भी हमारे पास 2 बार है, ठीक है 1 2 देखिए ये एम ये टी, बाकी सारे क्या है और सभी क्या है
भिन्न है। जब और सभी भिन्न है तब लिखेंगे हम जानते हैं तब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं यहाँ पे आपको कुल कितने भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हमारे पास कुल भिन्न शब्दों की संख्या, जब भी हमारे पास दो चीज अगर सेम होते हैं और भिन्न शब्द पूछेगा तो जो टोटल होता है उसका फैक्टोरियल बटे आ जाएगा, इतने हमारे पास सेम हो जाएंगे। अब इसको काट लेंगे 11, या तो सही आंसर आ रहा होगा या इसके आप लोग फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो आपको या तो आंसर ये मिल जाते हैं यहाँ छोड़ दीजिएगा, अगर ना मिले तो इसके आगे कर सकते हैं 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 2 बटे 2 फैक्टोरियल। ये 2 से 2 हमारे कट जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल से ये 2 × 4 कट जाएंगे, ये बच जाएगा, बाकी सबका गुणा कर लेंगे, दे देंगे 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5। या फिर आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा, 2 में से कोई आंसर आ जाएंगे आप लोग वही आंसर रख लीजिएगा। जो हो गया आपके पास 3 नंबर क्वेश्चन, अब बताते हैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन, आप लोग इसको नोट कीजिए फिर आपको 4 बताते हैं। ठीक है, 4 नंबर हो जाएगा, बताते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे 4 नंबर था, बताते हैं आप लोगों को, बहुत आसान है 4 नंबर भी। लिखा हुआ है कि इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तत्वता केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। इक्वेशन ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, देखिए इसमें सारे हमारे स्वर हैं, ए ई आई ओ यू, इसमें आज पहले लिख लेंगे हम क्या कुल अक्षरों की संख्या कितनी है इसमें हमारे पास, 2, 4, 6, 8 है, ठीक, वैसे तो हमारे पास 8 है और इसमें स्वर कितने हैं हमारे पास, स्वरों की संख्या 5। अब जब स्वर 5 है और 5 स्वरों को एक शब्द बना लेंगे तो हमारे पास अक्षर कितने बचे, फिर 1, 2, 3, 4 बचे, तो आ जाएंगे हमारे पास ए ई आई ओ यू को एक साथ रखने पर कितने हो जाएंगे, कुल अक्षर हमारे पास 4 बचेंगे, सही बचेंगे क्योंकि हमारे पास बाकी 1, 2, 3 और ये इसको टोटल पूरा 1, 4। आप फिर लिखेंगे हम जानते हैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्वेश्चन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथा केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। अब उसने पूछा अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, तो जब अर्थपूर्ण और अर्थहीन, अर्थपूर्ण तो हमारे 5 बनेंगे, अर्थहीन हमारे 4 बनेंगे। अर्थपूर्ण में जब पूरे स्वर होंगे तब हमारे पास 5 इक्वेशन बनेगा, अर्थहीन पर हमारा कोई भी इक्वेशन नहीं बन पाएगा, हमारा क्यू टी एन ओ ऐसे बनेंगे। तो हम जानते हैं कि अर्थपूर्ण
पूछा है कि बनते हुए अर्थपूर्ण या अर्थहीन, अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की कुल संख्या जी हो जाएगी हमारे पास कितना, 5 × 4 यानी कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तो गुणा जाएगा 4 × 3 × 2 2×3 = 24 2×3 = 24 × 48 जो जाएंगे 5×2 = 23 60 60 × 48 48 फिर हो जाएंगे 0 × 6 = 48 8 × 24 = 24 4 × 28 = 28 तो 80 आपके पास ये आंसर मिल जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपके पास 4। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताया जा रहा है, कोई समस्या आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग देख सकते हैं इसको, नोट कर लीजिए, तब तक आप लोगों को अच्छे हर जाते हैं। ठीक है, नोट कर चुके होंगे तो आप लोगों को इस पार्ट में 4 नंबर तक क्वेश्चन बताए गए, आप लोगों ने अच्छे से देखा, 4 नंबर भी देख सकते हैं। इसके आगे आप लोगों के पास क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, वो भी आप लोग पढ़िएगा, उसको लगाने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग अगर वीडियो अभी भी देखते समय लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं नए तरीके से नए वीडियो में। नमस्कार और बाय बाय।